नमस्कार, सस्टॉक्स देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बिहार में पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि सीएम नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, उनकी राजनीति में एंट्री हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से इस तरह का बाजार गर्म है, बाजारों में चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं वह राजनीति में एंट्री ले सकते हैं, और जेडीयू के कुछ नेताओं ने भी जो है इस तरह का बयान दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकारों ने बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार से यह सवाल पूछा कि क्या वाकई में जो सीएम नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत, उनकी राजनीति में एंट्री हो सकती है, क्या नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि उनके जो बेटे हैं वह राजनीति में आए और क्या उत्तराधिकारी वह बन सकते हैं, जब पत्रकारों ने इस तरह के सवाल जब मंत्री विजय कुमार से पूछा तो उन्होंने इस पर अपनी जो है प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री विजय कुमार, सुनिए। नहीं, देखिए, अब पता नहीं पार्टी के मैंने पार्टी में किन्होंने ऐसी बात की है, हमारी जो जानकारी है ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। और हम पार्टी के नेताओं से भी कहेंगे कि इस तरह के संवेदनशील मामले पर कोई अपने तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दे, वरना इससे एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है जो बिल्कुल निराधार बेबुनियाद होती है। हम जो जाते हैं और हमारी जो बात होती है उसके आधार पर वही निष्कर्ष है जो अभी हमने आपको बता दिया। आपने सुना कि मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस तरह का जो बयान जो दिया जा रहा है वह बेबुनियाद है। जब हम लोग सीएम आवास पर बैठते हैं तो बिहार में विकास किस तरह से हो इस पर चर्चा किया जाता है, बिहार में कितने लोगों को रोज़गार मिला है और कितना रोज़गार देना है इस पर सीएम नीतीश कुमार से बातचीत की जाती है। वहीं 2000 कयास लगाए जा रहे थे कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले जो है निशांत की एंट्री हो सकती है। वहीं उन्होंने कहा है कि नहीं, ये सब बेबुनियाद बयान है और जो भी नेता जेडीयू के इस तरह के जो बयान देते हैं वह इस तरह के बयान को देने से बचे, क्योंकि इस तरह के बयान देने से जो है संशय का माहौल बनता है। तो उन्होंने साफ तौर पे जो है इसका इनकार कर दिया है कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है। जब हम लोग बैठते हैं तो बिहार में किस तरह से विकास किया जाए, लोगों को किस तरह मूलभूत सुविधाएँ हैं उनको, उस सुविधाओं को लोगों तक पहुँचाया जाए, इस चीज़ पर जो है विशेष तौर पर जो है बातचीत की जाती है। तो उन्होंने साफ तौर पर इसका खंडन कर दिया है कि कहीं से भी सीएम नीतीश कुमार के जो बेटे हैं उनका राजनीति में कोई भी एंट्री नहीं हो रहा है।